भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। 27 जून को मुंबई में वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। भारत पाकिस्तान के मुकाबले का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराने का फैसला किया गया है। ये मुकाबला 15 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीम्स ने आखिरी बार साल 2016 में कोई मैच खेला था। वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला 5 अक्टूबर को पिछले वर्ल्ड कप की दोनों फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा और ये मैच भी अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का पूरा टूर्नामेंट 46 दिनों का होगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी और ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा, जबकि टीम इंडिया का दूसरा लीग मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा, जबकि दो सेमीफाइनल मैचेस 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे होगा, जबकि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान अपने अधिकतर मैच बेंगलुरु और चेन्नई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तानी टीम के कुछ मैच हैदराबाद और कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर भी खेले जाएंगे। भारतीय टीम का पूरा शेड्यूल भी जान लेते हैं। 8 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई, 11 अक्टूबर अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली, 15 अक्टूबर पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद, 19 अक्टूबर बांग्लादेश के खिलाफ पुणे, 22 अक्टूबर न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला, 29 अक्टूबर इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ, 2 नवंबर क्वालिफायर 2 के खिलाफ मुंबई, 5 नवंबर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता, 11 नवंबर क्वालिफायर 1 के खिलाफ बेंगलुरु। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में कुल 10 टीम्स भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट के लिए 8 टीमें पहले क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग के माध्यम से क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि अंतिम 2 स्थान के लिए जिम्बाब्वे में क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जा रहा है। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के अलावा क्वालिफायर में आयरलैंड, नेपाल, नीदरलैंड्स, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई, अमेरिका और मेजबान जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो 9 जुलाई को समाप्त होगा। इस टूर्नामेंट के दौरान सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, यानी हर टीम 9 मैचेस खेलेंगी, जिसके बाद पॉइंट टेबल की टॉप 4 टीम्स सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी रविराज। मेरा नाम दिव्यांशी सुनराव है, आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।